अब एक नए नारे की बात करते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। ये क्या हुआ आगे बताते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यही लगा कि हम डिबेट के चक्कर में देश का कितना कुछ देखने से रह गए हैं। 2 मार्च को दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ियों से रैली निकली और 15 किलोमीटर तक पदयात्रा ये चली है। देखिए तस्वीर में कितनी भीड़ है। दिल्ली में विजय रैली के नाम पर बाइक पर सवार 300 लोग होते हैं तो वो हेडलाइन बनती है, मगर आप खुद सोचिए कि टीवी किस तरह से जनता के बीच से जनता को गायब कर देता है। टीवी ने अपना एक अलग देश बना लिया है और उस देश से इस देश को बाहर कर दिया है। इस रैली में ग्राम सभा को लोकसभा और विधानसभा से बड़ा बताया गया, क्योंकि इनके नेताओं का आरोप है कि 2014 में एक गांव में फर्जी तरीके से ग्राम सभा बुलाकर लोहे के खदान को एक कंपनी को दिया, अडानी एंटरप्राइज को दिया गया। हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया है, पक्ष मिलेगा तो दिखाएंगे, लेकिन यह मामला जिला प्रशासन का ज्यादा है। अगर फर्जी ग्राम सभा हुई है तो इसे पंचायत अधिकारियों की मदद से जिला प्रशासन को ही साबित करना है। अगर ग्राम सभाएं भी फर्जी तरीके से हो रही हैं तो इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। 20 गांव के आदिवासी इस पदयात्रा में शामिल हुए। केंद्र की संस्था है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ प्रभाकर राव से सोमेश पटेल ने बात की, क्योंकि इसी ज्वाइंट वेंचर को ग्राम सभा की अनुमति के बाद खदान की लीज मिली और उसके बाद इसे अडानी ग्रुप को ट्रांसफर किया गया। सीईओ प्रभाकर राव ने इस प्रदर्शन के बाद दंतेवाड़ा के कलेक्टर को लिखा है कि इस आरोप की जांच कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब 2014 में फर्जी ग्राम सभा की बात हुई, बुलाई गई थी, तब उस वक्त शिकायत क्यों नहीं आई। इस मार्च का यही मकसद एक नहीं था, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को चेतावनी दी गई कि वन भूमि अधिनियम 2006 के अनुसार जंगलों की जमीन पर उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इस रैली में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगे और कहा गया कि ग्राम सभा को अनदेखा ना करें। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जानकारी नहीं है, हम पता करेंगे। जिला दंतेवाड़ा सर्वाधिक संघ का महासचिव हूं। कल जो रैली ने किया वो सरकार की नीति के खिलाफ, यहाँ पर निजी कंपनियों को संविधान का उल्लंघन करते हुए, 5वीं अनुसूची पेशा कानून 1996 का उल्लंघन करते हुए पूरे खदानों को निजी कंपनियों को हाथों में सौंप दिया गया है। इसके खिलाफ हमारी कल महारैली निकाली गई सर्वाधिक समाज द्वारा, और इस रैली में हम सरकार को बताना चाह रहे थे कि जो भी आप यहाँ पर निजी क्षेत्र हाथों में कंपनियों को दे रहे हैं, ये असंवैधानिक है। अगर किसी को इस तरह की शिकायत है तुरंत वो ये दर्ज करना चाहिए था अपना जो शिकायत, और कलेक्टर ऑफिस को जाने में किसी की रोक नहीं है। और देखिए 2014 में ग्राम सभा हुई और वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए पब्लिक हियरिंग भी हुई, अब 2019 में आके आप बता रहे हैं कि नहीं हुआ, ये कहना उचित नहीं है। और पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, कोई भी जाके देख सकते हैं। फिर भी ये जिस तरह इन्होंने जो अखबार में दिया है और ये आरोप लगाया है, उसके लिए ये जो कंपनी है जेवी कंपनी की तरफ से हमने एक चिट्ठी लिखा कलेक्टर साहब को, कलेक्टर दंतेवाड़ा को, एक सभी गांव वासियों को, उनके प्रतिनिधियों को बुला के एक बैठक कराया जाए, आमने सामने उस तरह की पूरे बात डिस्कस किया जाए और उनसे जो भी शिकायत है हम लोग ये जॉइंट वेंचर कंपनी लेगी और उसी हिसाब से जैसा कलेक्टर साहब के आदेश होगा उसी हिसाब से हम आगे काम जो है वो करेंगे इन गाँव में, अगर यदि कुछ रह गई। वैसे एक बात है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी जो है इसका भी एक CSR एक्टिविटी करने का कुछ दायित्व है, उसके अंतर्गत हम करेंगे ही।